to start our discussion on internal air. Before going into the detail of internal air, I would like to tell you the exact location where internal air is located. इससे पहले हम मिडिल एयर पर अपनी डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं और अगर आपको मिडिल एयर की लोकेशन समझ आ गई है तो इंटरनल एयर की लोकेशन समझने में एक मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंटरनल एयर की जो लोकेशन है ये भी मिडिल एयर के करीब करीब ही होती है। और जिस व्यू से हमने मिडिल एयर की लोकेशन को स्टडी किया था उन्हीं तीनों व्यू से अब हम इंटरनल एयर की लोकेशन को देखेंगे कि एग्जैक्टली ये किस जगह प्रेजेंट है। ये है एंटीरियर व्यू, ये है सुपीरियर व्यू और ये है लैटरल व्यू। एंटीरियर व्यू का क्या मतलब कि अगर हम देख रहे हैं एंटीरियर डायरेक्शन से, ये जो इस लेवल पर हमारा एयर लोकेटेड है इससे आगे वाला सारा पोर्शन अगर हम रिमूव कर दें और एंटीरियरली अगर देखें तो एयर हमें किस तरह नजर आया, इसका मतलब एंटीरियर व्यू। और सुपीरियर व्यू का क्या मतलब कि अगर हम अपनी स्कल कैप रिमूव करें और ब्रेन भी रिमूव करें तो हमें एंटीरियर क्रैनियल फोसा नजर आएंगे। तो एंटीरियर क्रैनियल फोसा वाला जो व्यू है वो ये है, दिस इज सेला टर्सिवा, दिस इज एंटीरियर क्रैनियल फोसा, दीज टू आर मिडिल क्रैनियल फोसा और ये है पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा। और लैटरल व्यू का मतलब कि अगर आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन से, इस जगह से, तो आपको एक्सटर्नल एयर नजर आएगा, उसके बाद इंटरनल एयर है और मिडिल एयर है और फिर इंटरनल एयर है। सो अब हम तीनों व्यू से इंटरनल एयर की जो लोकेशन है वो स्टडी करते हैं। इंटरनल एयर लाइक मिडिल एयर इज सिचुएटेड इन द पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। जो मिडिल एयर था वो भी पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के अंदर लोकेटेड था, जो इंटरनल एयर है वो भी पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के अंदर लोकेटेड है और बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मिडिल एयर है, लेकिन फर्क इतना है कि ये मीडियल टू मिडिल एयर है। अगर हम मिडिल एयर देखें तो वो इंटरनल एयर के लैटरली लोकेटेड है और जो इंटरनल एयर है वो मिडिल एयर के मीडियली लोकेटेड है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द एक्सटर्नल एयर, दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मिडिल एयर और उसके बाद इनर मोस्ट जो है, ये यूं कह लें मीडियल मोस्ट जो है वो है इंटरनल एयर। सो मिडिल एयर को मिडिल एयर इसीलिए कब कहते हैं कि वो एक्सटर्नल और इंटरनल एयर के दरमियान में लोकेटेड है। एक्सटर्नल एयर मिडिल एयर की आउटसाइड पे होगा या लैटरल साइड पे होगा और जो इंटरनल एयर है वो मिडिल एयर की मीडियल साइड पे या इनर साइड पे होगा। ये है एंटीरियर व्यू से, ये सुपीरियर साइड है और आपको यहाँ थोड़े से बाहर नजर आ रहे हैं। ये है सुपीरियर व्यू, ये हमने स्कल कैप को रिमूव किया, ब्रेन को रिमूव किया और हम आ चुके हैं क्रैनियल फोसा तक। दिस इज सेला टर्सिका, एंटीरियर क्रैनियल फोसा, मिडिल क्रैनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा, फोरामेन मैग्नम। सो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंटरनल एयर है इट इज सिचुएटेड इन द पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। सो ये वाली जो जगह है आउटसाइड पर एक्सटर्नल एयर होगा, जैसा कि ये एक्सटर्नल एयर है, उसके बाद हम आगे जाएंगे तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद ये मिडिल एयर कैविटी है और मिडिल एयर के बाद यहाँ पर ये इंटरनल एयर लोकेटेड है। ये हम देख रहे हैं सुपीरियर व्यू से और ये किसके अंदर प्रेजेंट है, पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के अंदर। जो पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है वो मिडिल क्रैनियल फोसा के फ्लोर के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एंटीरियर क्रैनियल फोसा, ये मिडिल है, तो मिडिल क्रैनियल फोसा के फ्लोर के अंदर ये पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन होती है। यूं कह लें कि पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन मिडिल क्रैनियल फोसा का फ्लोर बनाती है और उस बोन के अंदर हमारे पास इंटरनल और मिडिल एयर लोकेटेड है। अब हम आते हैं लैटरल व्यू पे। ये लैटरल व्यू से अगर हम देखें, सपोज ये एक डायग्राम है, एंटीरियर क्रैनियल फोसा, दिस इज मिडिल क्रैनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा और दिस इज फोरामेन मैग्नम। ये जो है हमारा स्ट्रक्चर, ये एक्सटर्नल एयर, एक्सटर्नल एयर के बाद क्या आएगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस और एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस के आगे क्या आती है, दिस इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ये फिर जो ब्लू डॉट्स के अंदर मैंने ड्रा किया है ये एक्सटर्नल एयर के आगे है, ये है मिडिल एयर और फिर उससे आगे मीडियली ये है हमारे पास इंटरनल एयर। सो इन तीनों डायग्राम्स को देखने के बाद एक ओरिएंटेशन डेवलप होनी चाहिए कि इंटरनल एयर इज
basically situated in the petrous part of temporal bone medial to the middle ear. इसकी exact location का जो concept है वो diagrammatically हमारे जहन के अंदर clear होना चाहिए कि ये बहुत clinically important है. उसके बाद internal ear जो है इसके अंदर organs होते हैं for hearing and equilibrium. बाद में जब हम internal ear को मजीद discuss करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो internal ear है, let's suppose ये है हमारा internal ear, तो उसका एक part जो होता है वो उसको हम कॉक्लिया कहते हैं और एक पार्ट को हम कहते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस. वेस्टिबुलर अपरेटस के अंदर वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं. तो इनमें से जो कॉक्लिया है दिस इज द ऑर्गन फॉर हियरिंग और वेस्टिबुलर अपरेटस जो है दिस इज द ऑर्गन फॉर इक्विलिब्रियम और बैलेंस. सो अप टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट इंटरनल ईयर इज सिचुएटेड इन द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन मीडियल टू द मिडल ईयर. It contains organ, sensory organs for hearing and equilibrium. Now we move forward. After discussing the exact location of internal ear, now we will discuss about some more features about the internal ear. As you can see here, internal ear has two parts. This one is known as cochlea and this is known as vestibular apparatus. इस पूरे internal ear को मैंने यहाँ separately draw कर दिया.